सो हाय व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप का यूज करके कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड चेंजिंग 40 डिग्री गाना सिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत ही इजी स्टेप का अंदर। सो वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोग कंप्लीट एडिटिंग सीखने वाला हूँ ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। सो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए, और मुझे इंस्टा पे भी जाकर फॉलो कर लेना। इंस्टा का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो चलिए वीडियो के यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को फोटो को ओपन कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। तुम यहाँ पे ये वाला फोटो को शेयर करके ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ओके। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो फोटो हमारा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन हो चुका है। अब आप लोग को ये वाला फोटो का बैकग्राउंड को सबसे पहले आप लोग कट कर लेना, यानी कि इरेज कर लेना है। सो बैकग्राउंड इरेज करना बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ आप लोगों को इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ब्रश ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर का तरफ आके आप लोगों को कुछ इस टाइप का ब्रश देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर से आप लोग ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला ब्रश का नेम है हार्ड इरेजर, ओके। ये वाला ब्रश को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, जाना है आप लोगों को सेटिंग पे। सेटिंग का साइज को आप लोगों को फोटो को कमा बढ़ा के आप लोगों को इरेज कर लेना है, यानी कि साइज को कमा बढ़ा के एंड इसके अमाउंट को आप लोगों को 100 रखना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोगों को बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसी टाइप से बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम देकर आप लोगों को बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फास्टली बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो गाइस, इस टाइप से आप लोगों को बैकग्राउंड का इरेज कर लेना परफेक्ट तरीके से। बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद आप लोगों को वाला बैकग्राउंड का अंदर एक अलग सा बैकग्राउंड को भी ऐड कर लेना है। सो बैकग्राउंड को ऐड करने के पहले आप लोगों को लेयर वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है एंड आप लोग को नीचे मिल जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर ही आप लोग को एक आई का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप लोग बंद कर देना, यानी कि ऑफ कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप लोग किसी भी बैकग्राउंड को आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड को अलग से ऐड करने के लिए आप लोग इस वाला टूल का अंदर क्लिक कर लेना है। ये वाला टूल के अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग को इनपुट इमेज मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोग टैप करना है एंड एज आप लोग को बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सो वाला बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग इसको सही तरीके से एडजस्टमेंट भी करना है, ठीक है। तो आप लोग को परफेक्ट तरीके से थोड़ा सा टाइम देके एडजस्टमेंट कर लेना है। अब आप लोग को राइट पे क्लिक कर लेना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से लेयर वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड का लेयर को आप लोग को मॉडल का लेयर के नीचे रखना है एंड कुछ स्टेप से आप लोगों का मॉडल का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा एंड अलग से एक बैकग्राउंड भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इसी टाइप से आप लोग कंप्लीट काम कर लेना है। अब आप लोग ये वाला फोटो का आप लोगों को फेस को स्मूथ कर लेना है। फेस को स्मूथ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। आप लोगों को जाना है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे को जाके कुछ इस टाइप का आप लोगों को ब्रश देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर से आप लोग ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है एंड आप लोग को जाना है सेटिंग पे। सेटिंग का साइज को आप लोग थोड़ा सा कम बढ़ा के कर लेना है एंड इसका फ्लो को रख देना 1% एंड उसका नीचे का ऑप्शन को भी 1% ही रखना है, ठीक है। फोटो का फेस के अंदर ब्रश करने से पहले आप लोग लेयर वाला आइकन पे जाना है एंड फोटो का लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से ब्रश करना है, ठीक है। ओके, सो इसी टाइप से आप लोगों को फेस को स्मूथ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते कितना क्लीन तरीके से फेस स्मूथ हो चुका है। तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देके फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। फेस को स्मूथ करने के बाद आप लोग को ये वाला हेयर को भी एडिट कर लेना है। सो हेयर के एडिटिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ आप लोग को ये वाला टूल के अंदर क्लिक करना है, जाना है लाइब्रेरी में एंड उसका नीचे ये वाला ब्रश को आप लोग सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका सेटिंग वगैरह को आप लोग को सही तरीके से एडजस्टमेंट करके कुछ इस टाइप से आप लोग को हेयर के ऊपर ब्रश को चला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे हेयर एडिट हो रहा है। सो आप लोग इसी टाइप से हेयर को एडिटिंग कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते कितना परफेक्ट तरीके से हेयर एडिटिंग हो चुका है। सो इसी टाइप से आप लोग को हेयर को एडिट कर लेना है। आप लोगों का हिसाब से आप लोग हेयर स्टाइल को बदल देना, यानी कि जिधर आप लोग घुमाना चाहते हो उधर आप लोग उस साइड आप लोग घुमा सकते हो हेयर को, ठीक है। सो इसी टाइप से आप लोग को हेयर को एडिट कर लेना है। अब आता हूँ भाई ये वाला फोटो का फेस को व्हाइट कर लेना। फेस को व्हाइट करना भाई बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। फेस को व्हाइट करने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेना, ठीक है। ये वाला लेयर का आइकन पर आप लोग क्लिक करना है, जाना इसका ब्लेंड टूल के अंदर एंड इसको आप लोग कर लेना है सॉफ्ट लाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ सॉफ्ट लाइट कहाँ है भाई। यहाँ पे सॉफ्ट लाइट मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है, जाना है आप लोग कलर्स वाला आइकन पे एंड इसके अंदर से आप लोग व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड जाना है आप लोग को ब्रश टूल के अंदर एंड इसके अंदर से आप लोग को लाइब्रेरी में जाना है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा एयर ब्रश, ठीक है। एयर ब्रश को आप लोग सिलेक्ट कर लेना है
एंड इसका सेटिंग पे जाके इसका साइज को सिर्फ फोटो के हिसाब से कम बड़ा के कर लेना है एंड कुछ स्टेप्स आप लोग को ब्रश कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा फेस व्हाइट हो रहा है। सो इसी टाइप से आप लोगों को फेस को व्हाइट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। सो इसी टाइप से आप लोगों को फेस को व्हाइट कर लेना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा फेस व्हाइट हो चुका है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग फेस को व्हाइट करने के बाद आप लोगों को अगर लगे भाई ज़्यादा फेस व्हाइट हो गया सो आप लोग सिंपल है आप लोगों को जाना है लेयर वाला आइकन पे एंड इसके अंदर से आप लोगों को सॉफ्ट लाइट का लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको ऑपेसिटी को आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, कम व्हाइट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे इतना ही रखूँगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं फेस कितना ज़्यादा व्हाइट हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा लिप के अंदर कलर को ऐड कर लेना है। उसके लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को फिर से इसको आप लोगों को सॉफ्ट लाइट ही करना है। तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ सॉफ्ट लाइट एंड यहाँ पे कलर्स वाला आइकन पे जाके रेड कलर को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से लिप के अंदर आप लोगों को ब्रश कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी टाइप से लिप के अंदर ब्रश कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसका लेयर का ऑपेसिटी को हल्का सा कम कर लूँगा एंड यहाँ पे देख सकते हो फोटो और भी ज़्यादा चमकदार दिख रहा है, ठीक है। अब आता हूँ भाई इसका शर्ट का कलर को चेंज कर लेना। अगर आप लोग को शर्ट का कलर को चेंज करना नहीं आता तो इसके ऊपर भाई बहुत सारा वीडियो मेरा चैनल पे पड़ा है, आप लोग किसी भी वीडियो को देख सकते हो एंड कैसे शर्ट का कलर को चेंज करना है मैं सारे वीडियो के अंदर बोल दिया हूँ, ठीक है। तो ऐप हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट, ओके। सो हमारा पूरा ही पूरा बैकग्राउंड चेंजिंग भी हो चुका है, फोटो भी एडिटिंग हो चुका है। फोटो को सेव करना है, सेव करने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड ऐसे आप लोगों को सिलेक्ट करना है गैलरी को। गैलरी को सिलेक्ट करने के बाद सेव इमेज पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है गैलरी के अंदर, ओके। सो गाइज आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप लोग को लाइटरूम का रिटचिंग वाला फोटो एडिटिंग सीखना है सो आप लोग नीचे एक कमेंट कर देना, मैं आगे से उसी वाला वीडियो को ट्राई करूंगा, ओके। सो गाइज आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।